हेलो फ्रेंड्स, रिसर्च नीड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मॉरिस वाटरमेज ने एनिमेज में कैसे मॉरिस वाटरमेज एक्सपेरिमेंट का प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए हम पहले एनिमेज एप को ऑन करेंगे। ऑन करके जैसे ही वो ऑन हो जाता है, हम उसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन आईडी आपको अपने हिसाब से जनरेट करनी पड़ेगी एनिमेज साइट पे ऐप के साथ। उसके बाद जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो बहुत बार एनिमेज सॉफ्टवेयर लोड होने में टाइम लेता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हैवी हैवी सॉफ्टवेयर है। जैसे ही वो ऑन हो जाए, हम आज डायरेक्टली जाएंगे प्रोटोकॉल्स में। प्रोटोकॉल्स में पहले हमें प्रोटोकॉल का नाम एक सोच के लिख देना है, जिससे कि फाइल सेव करनी पड़े, हमें प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि वीडियो सोर्स जो है, वीडियो सोर्स को हमको सेट करना है और उसमें वाटर मेज को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही वाटर मेज सिलेक्ट करने के बाद, हम तीसरा स्टेप है अपार्टस मोटर, उसको एक नाम दे देना है मॉरिस वाटर मेज के हिसाब से। और ये देखिए, हमारे पास ये एक ऑलरेडी आ चुका है मॉरिस वाटर मेज। अब हमें क्या करना है कि इस पे जॉन सेट करना है। जॉन सेट करने के लिए ये सेटिंग ऊपर दी हुई है, ये जो कर्सर बना हुआ है ऊपर ही मेनू बार में, आपको इसके लिए सारी टूल्स दिए हुए हैं। आप उसका यूज करके इधर इसके जोन बनाने हैं, जो चार जोन में डिवाइड होता है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, और उसको जोन को हम लोग चार जोन में डिवाइड कर देते हैं। और ये मेजरिंग स्केल है, जो ग्रीन कलर की पट्टी है, ये हमें मेजरमेंट देती है कि इसका डायामीटर कितना है। आपके जो मॉरिस वाटर मेज अपार्टस है, उसका डायामीटर कितना है, वो आपको पहले जोन डिवाइड करके उस पे एक जोन का जो डायामीटर है ले लेना पड़ेगा। तो पूरे जोन का, मीन्स पूरे अपार्टस का आपको डायामीटर ले लेना पड़ेगा और उसे एमएम में एंट्री करना पड़ेगा। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ करना है। अभी हम इसे जोन में डिवाइड कर ले रहे हैं, जिससे कि ये इजीली अपार्टस सेट हो जाए। इसमें चार जोन हम लोग बना रहे हैं, वो मैं अभी आपको उधर भी दिखा दूंगा। पर इसमें जो है, पहला SC क्वाड्रेंट, SW क्वाड्रेंट, NW क्वाड्रेंट और NE क्वाड्रेंट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के हिसाब से इसको बना दिया गया है, ये जोन बना दिया गया है। और एक प्लेटफॉर्म है जो हमको सेट करना है, और उसको भी हमें जोन में कवर करना है। वो एक डिफरेंट जोन माना जाएगा। हमारे लिए तो ये विजिबल है, पर जब हम इसे एक्सपेरिमेंटल डेज में करते हैं, तो ये विजिबल हमें रहता है और एनिमल्स को भी रहता है। और जब हमें इसमें मिल्क ऐड कर देते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टेज में, तो ये विजिबल हमें हमें ऊपर से रहता है, क्योंकि हमने मार्किंग करके रखी है। एनिमल्स को विजिबल नहीं रहता, जो क्योंकि मिल्क में वो दिखता नहीं है, तो इसीलिए नॉन विजिबल रहता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर जोन वाइज इसको डिवाइड करेंगे, इसको सेट करेंगे और हमारे मॉरिस वाटर में इसको उसके हिसाब से सेट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जॉन जॉन में और
जो मार्क करेंगे, और दूसरी चीजें यहाँ पर कौन सा है जो अपार्टस में आपको डालना है। जॉन में ये सारी चीजें हैं, आप यहाँ पर सारे क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर चार क्वाड्रेंट, एक विजिबल प्लेटफॉर्म का क्वाड्रेंट डाला है, और अपार्टस में कुछ चीजें रह गई थी तो वो मैं आपको बता दूं, वो देख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर तो आपको वीडियो सोर्स देखना है, फिर दूसरा आपको जॉन में सारे जॉन आपको सेट करके दिखा देता हूँ। ये एससी क्वाड्रेंट है, एससी क्वाड्रेंट, फिर एच डब्ल्यू क्वाड्रेंट, ये एच डब्ल्यू क्वाड्रेंट है, फिर एन डब्ल्यू क्वाड्रेंट आएगा नेक्स्ट, और एनई नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट लास्ट में, और हमारा लास्ट में विजिबल प्लेटफॉर्म है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इसके हिसाब से हमने इसे नाम दिया है। अब लास्ट हमारा विजिबल क्वाड्रेंट भी देख लें, और ये यहाँ पर कुछ एरर्स हैं उसके हिसाब से ओके कर दिया उसने, क्योंकि वो जो है वो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए उसको इसलिए वो परमिशन मांगता है। अब नेक्स्ट आइटम हम देखेंगे एनिमल कलर। एनिमल कलर में हमें ये डिसाइड करना है कि एनिमल कैसा है आपका, डार्क है या लाइट है। तो हमारा तो यहाँ पर एनिमल डार्क है, C57 है, तो अपार्टस के हिसाब से हमें वो लेना पड़ेगा, बैकग्राउंड बैकग्राउंड का कलर डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि ट्रैकिंग के लिए आपका मोबिलिटी के लिए पूछ रहा है, तो मोबिलिटी के लिए बोल दिए यस, हमको 10 सेकेंड के लिए मोबिलिटी चेक करना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमें है द एनिमल विल बी द पार्टस बिफोर द स्टार्ट, यस करना है उसको, और रिटर्न बैकग्राउंड यस कर देना है। दूसरी चीजें हैं स्टेजेस में, स्टेजेस में मैं पूछ रहा है कि स्टेजेस में आपको क्या करना है। स्टेजेस में जो टेस्ट शेड्यूलिंग है उसे मैन्युअली कर देना है। स्टेजेस में प्री एक्सपोजर स्टेजेस और एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस करके मैंने यहाँ पर डिवाइड किए हैं, तो वो आपको दिखेगा प्री एक्सपोजर स्टेजेस एंड एक्सपेरिमेंटल। यहाँ से आप स्टेजेस और ऐड भी कर सकते हैं, तीसरा स्टेज आप ऐड करना है, एक्सपेरिमेंटल स्टेज 2 ही ऐड करना है अगर आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो यहाँ पर एक स्टेज को ऐड करके उसमें ट्रायल कितने नंबर्स डालना है, कितने टेस्ट ड्यूरेशन का है स्टेज, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे 60 सेकेंड का एक आप स्टेज रख सकते हैं, या 120 सेकेंड्स का भी रख सकते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर स्टेजेस भी डाल देंगे। ये पूरा ग्रीन बटन ऊपर वाली से हम लोग ऐड कर सकते हैं स्टेजेस जो हमने देखा। अब नेक्स्ट हमें ऑटोमेटिक स्टार्ट यस करना है, ऑटोमेटिक यस, और मार्क ऑटो स्टार्ट भी कर देना है। तीसरी चीज है कि व्हाट टू रिकॉर्ड व्हाइल टेस्टिंग, रिकॉर्ड मैक्सिमम ऑफ 10 पोजीशंस इन सेकेंड्स में डाल देना है यस। और सब नेक्स्ट में जो है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कौन सी चीज डिस्प्ले होनी चाहिए, तो सारी चीजें आपको मार्क द एनिमल सेंट्रल पॉइंट है, टेल सब होना चाहिए, सो द एनिमल्स ओरिएंटेशन दिखना चाहिए, लिस्ट ऑफ एनी एक्टिव जोन, सारे एक्टिव जोन को दिखना चाहिए, सो आउटपुट आउटपुट देखना चाहिए उसका, और फिर प्रोसीजर वोसीजर सारी दिखनी चाहिए, डिस्प्ले द इंडिकेटर्स नेक्स्ट टू द एनिमल्स पोजिशन भी दिखना चाहिए। और हम फिर सारी चीजें हो जाने के बाद हम जाएंगे प्रोसीजर पे। प्रोसीजर में जो स्टेजेस वाइज है, अगर आप सारे स्टेजेस एक साथ करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर वो करना रहेगा, मार्क करना रहेगा। और यहाँ प्रोसीजर डिजाइन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, और ट्रायल एंड एरर पे करना पड़ेगा आपको। फिर हम जाएंगे ट्रीटमेंट ग्रुप में, ट्रीटमेंट ग्रुप में बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें देखना है। और ट्रीटमेंट में ग्रुप में आप कौन कौन से ग्रुप रख रहे हैं, जैसे एक्स ट्रीटमेंट ग्रुप में आपको पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें मैन्युअली हमें ग्रुप ऐड करने पड़ेंगे, और कितने ग्रुप हैं आपके उस हिसाब से आपको यहाँ पर मैन्युअली ऐड करना है। तो वो
यहाँ पर एनालिसिस कितने सेकंड के लिए सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, तो 60 सेकंड्स का मैंने ऐड कर दिया है। हीट मैप और ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो ज़रूरत नहीं है उसे अनमार्क कीजिए, और जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसे मार्क कर दीजिए। आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, वैसे ये ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर कोई चीज़ें नेसेसरी हेडिंग एरर्स में कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, मैंने जैसे रखा है वैसे ही आप रख सकते हैं। और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं एनालिसिस वाले में, वो सारी चीज़ें आप रिजल्ट एनालिसिस फिल्टर में आप देख लीजिए। जो जो जोन मैंने सिलेक्ट किए हैं वो सारे जोन को आपको सिलेक्ट कर लेना है, फिर लास्ट में रिजल्ट रिपोर्ट डाटा में सारी चीज़ें आपको एंट्री करनी है जो जो जरूरत है आपसे रिलेटेड, जैसे कि एनिमल कलर, टेस्ट ड्यूरेशन और सारे जोन में टाइमिंग टाइमिंग क्या रखनी है, मीन्स टाइम एसी क्वाड्रेंट और SW NW एनी क्वाड्रेंट में कितनी देर कितने समय एनिमल्स को स्टे किया गया और कितनी देर वो वहाँ पर रहे, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंट्री करेगी। इसी पर से इसमें जो है आप इसमें मार्क करके ये भी चेक कर सकते हैं कि एस्केप लेटेंसी कितनी है, ट्रांसफर लेटेंसी, सॉरी ट्रांसफर लेटेंसी तो आएगी नहीं, एस्केप लेटेंसी कितनी है एनिमल्स की, वो उसे आपको वो चेक करने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपको वो मार्क करना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लेंगे तो वहाँ से जब एनिमल छोड़ा जाएगा वो जब प्लेटफॉर्म में पहुँचेगा एसी क्वाड्रेंट में, तब तक का पूरा जो टाइमिंग होगा उसे एस्केप लेटेंसी कहते हैं। तो आपको फर्स्ट एंट्री टू प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म वाले पार्ट पे जाके वहाँ पर मार्क करना पड़ेगा कि फर्स्ट लेस एंट्री टू प्लेटफॉर्म का कितने सेकंड में हुआ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए, आपसे वो उसे मार्क करके ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं टेस्ट डाटा में कौन कौन सी चीज़ें आपको रिपोर्ट में चाहिए वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मार्क कर देनी पड़ेगी, और एक एक जोन में जाके आपको एक एक चीज़ को मार्क करना पड़ेगा समय के हिसाब से जो चीज़ें आपको टेस्ट डाटा रिजल्ट्स में चाहिए। इसमें तो क्या होता है कि एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो चीज़ें आप करने वाले हो उसके लिए पहले आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है, और बाद में आपको रिजल्ट में क्या क्या चाहिए उसके लिए मार्क करना पड़ता है, और लास्ट में आपके पास जो डाटा सीट आएगी उसमें कौन कौन से रिजल्ट को आपको एनालाइज करना है, कौन कौन से पार्ट को आपको एनालाइज करना है, और कौन से ग्रुप वाइज एनिमल्स को एनालाइज करके इंडिविजुअल एनिमल्स का सारा रिकॉर्ड इसमें मिलेगा। पर इसे आपको जैसे मैंने मार्क किया है वैसे ही वैसे आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करने जाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो वैसे भी ये वीडियोस लेंदी होती हैं बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पर मार्क कीजिए डाटा पेज पे आपको जाके क्या क्या ज़रूरत है उस सारी चीज़ों को आप देखिए और उसे मार्क करते दीजिए। फिर यहाँ पर सेगमेंट्स में चाहिए आपको रिजल्ट कॉलम में चाहिए, ग्रुप वाइज कौन कौन से ग्रुप में आपको इसके एनिमल्स जो है कौन कौन से ट्रायल्स कितने ट्रायल्स आप रखे हैं एक्सपेरिमेंट में और कितने स्टेजेस रखे हैं, एक पर स्टेजेस में कितने ट्रायल हैं, उस हिसाब से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो एक स्टेज में अगर आप 3 ट्रायल रखते हैं तो वो बेस्ट होता है, अगर आप एक्स्ट्रा ट्रायल एक्स्ट्रा पे क्वेश्चन रखना चाहते हैं तो 4 ट्रायल भी रख सकते हैं। और प्रोटोकॉल नॉर्मली मॉरिस वाटर मेज में पहले 0 डेज की स्टडी होती है और उसके बाद 3 दिन और स्टडी की जाती है और पर डे 3 ट्रायल्स किए जाते हैं। वैसे हर एक्सपेरिमेंट बहुत लेंदी हो जाता है, 7 से 8 घंटे का अगर पर ग्रुप 7 to 6 एनिमल्स रखें तो भी बहुत 7 से 8 घंटा लग जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल एनिमल्स का ट्रायल करना रहता है तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो ऐड कर दिए हैं मैंने, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो ऐड कर दिए हैं, कोड दे दिए हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ स्टेट ले के रखे हैं रीडिंग्स, फिर भी आपको स्टार्ट करना दिखाते हैं, ये प्लस वाले बटन दबाएंगे तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, और ये यहाँ पर इसका बैकग्राउंड स्टार्ट ऑन करेंगे, बैकग्राउंड ये ग्रीन वाले
कैमरे का जो निशान है उसे आप ऑन करेंगे तो बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा। अब एनिमल्स आपको रखना है, आपको पहले एक हर हर ग्रुप में से स्टार्टिंग में मीन्स हर क्वाड्रेंट में आपका एक स्टेजेस होगा जहाँ से यहाँ पर एनिमल्स आके बैठ चुका है, विजिबल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, प्लेटफॉर्म पे आके बैठ चुका है। ये हमें दिख रहा है कि ये 60 सेकेंड्स का प्रोटोकॉल था। अब एनिमल्स को उठाया जाएगा, वो ऑलरेडी बैठ चुका है इसलिए हमें इसको फिर से नहीं रखना है, अब हमें नेक्स्ट एनिमल्स यूज करना है। अगर वो 60 सेकेंड में प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं बैठता तो उसे हमें फिर से बिठाने के लिए उसको पूरी तरह से 15 सेकेंड के लिए वेट करवाना पड़ता है, रख के उसे बिठा के उसे पहुंचा के। यहाँ पर सेकेंड एनिमल्स भी ऑटोमेटिक जाके बैठ चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रायल है ये 0 डे ट्रायल नहीं है, ये ट्रायल है हमारा बीच का एक्सपेरिमेंट है, यानी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल स्टेज चल रहा है। 0 डे ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है, वो वाटर में होता है और जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज है वो मिल्क में होता है। तो ऑलरेडी एनिमल्स ट्रेंड हो चुके हैं कि उनको स्टेजेस कहाँ पर मिलेंगे, बट ये है कि इनके लिए प्लेटफॉर्म विजिबल नहीं है, सो ये इजीली इस पे जाके बैठ जा रहे हैं। अब दूसरा दूसरा एनिमल्स हम दूसरा प्लेटफॉर्म वो ऐड कर रहे हैं, मीन्स एनिमल्स रिपीटेशंस ले रहे हैं। अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इसका इसके कुछ वीडियोस भी कैप्चर कर लूँ, जो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे कि वीडियो कैसे कैप्चर करने। अब मैं यहाँ पर एनिमल्स स्टार्ट किया, एआई ने ये ऑलरेडी ट्रैक कर लिया है एनिमल्स को और वो जाके एनिमल उस पर बैठ चुका है। अगर यहाँ पर एनिमल प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठ रहा और 60 सेकेंड ओवर हो चुके हैं तो आपको वेट करके 15 मिनट्स एनिमल्स को प्लेटफॉर्म पे वेट कराना पड़ेगा, क्योंकि इससे वो प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से समझ जाता है। तो अब यहाँ पर पहले से फिर से वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ एआई के साथ, क्योंकि वो रेड वाला बटन एआई का ऑप्शन है और यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको एक मार्क दिखेगा जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा प्रोटोकॉल, और यहाँ पर कैप्चर होते हुए आपको वीडियो दिखेगा। जैसे ही एनिमल यहाँ पर मैंने ऑन किया तैसे ही वो उसे कैप्चर कर लिया और ये यहाँ पर मार्क यहाँ पर एनिमल्स कैप्चर हो रहे हैं। यहाँ पर ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पर सेव किया है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि कैसे यहां पर फीडिंग्स ली जा रही है। यहां पर एनिमल्स ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो एक ही जगह पर रह के अब यहां पर उसने मूवमेंट किया है थोड़ी देर के बाद। अब ये मुझे लग रहा है कि ये एनिमल 60 सेकेंड पूरा करेगा, नहीं ये इसने भी 60 सेकेंड से ओवर होने नहीं दिया, तो इसकी भी स्केप लेटेंसी आपको मिल जाएगी इजीली। यहाँ पर ये भी बहुत सारे पैरामीटर्स ऐसे भी होते हैं कि कौन से स्टेज में एनिमल्स ज्यादा रुक रहा है, जैसे कि ऐसे क्वाड्रेंट्स में जो टारगेट क्वाड्रेंट है उसमें एनिमल्स अगर ज्यादा देर रहता है तो उसका भी एक पैरामीटर्स होता है। फिर स्पीड का पैरामीटर्स होता है कि एनिमल कितनी स्पीड में प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइस पूरी तरह से सारे सारे क्वाड्रेंट में घूम रहा है। अब ये यहाँ पर ये देखना है कि वो प्लेटफॉर्म को फाइंड कर लेता है कि नहीं, ऑलरेडी फाइंड कर लिया है उसने। तो यहाँ पर जो एनिमल एंट्री पॉइंट है ये हर ट्रायल के हिसाब से बदलता जा रहा है। जैसे अभी हमने यहाँ पर ये जो एंट्री पॉइंट है अभी SW से डाला है, तो नेक्स्ट सारे एनिमल्स को हमें नॉर्थ वेस्ट से डालना है, नॉर्थ ईस्ट से डालना है, ऐसे करके हमें 3 ट्रायल पूरे करने हैं। ऐसी क्वाड्रन से हमने हमें नहीं डालना है, वो चौथा ट्रायल मैंने ऐसे ही रखा है कि ऐसी क्वाड्रन से भी डाल के मैंने चेक किया कि एनिमल्स कितने एक्टिव हैं और कितनी जल्दी चढ़ जाते हैं। पर हमें 3 ट्रायल हमारे लिए इनफ होता है कि हर स्टेज में
और ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। कोई भी प्रोटोकॉल में जो जो कि मॉरिस वाटरमेज के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें थ्री स्टेजेस हम परफॉर्म करते हैं। पहला जो है जीरो डेज ट्रायल, उसमें विदाउट मिल्क यानी कि वाटर में हम पूरे ट्रायल्स करते हैं। उसमें एनिमल्स को हमें पूरी तरह से ट्रेंड करना पड़ता है कि हर एनिमल्स प्लेटफॉर्म को ढूंढे। पहले स्टेजेस में मीन जीरो डेज में एनिमल्स फाइंड नहीं कर पाते स्टेज को, वो उसको उसे उन्हें फाइंड करने में टाइम लगता है, इसीलिए हमें 60 सेकेंड बाद उन्हें उठा के प्लेटफॉर्म पे रखना पड़ता है दिखाते हुए कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है। ऐसे करके सारे एनिमल्स को हमें दिखाना पड़ता है वो जीरो डेज पे। और फिर उसके बाद जब एक्सपेरिमेंटल स्टेज आते हैं, उससे पहले हमें एक बार एक्सपेरिमेंटल स्टेज परफॉर्म करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल स्टेज में जो है हमें वो उसके ये जो वाटर है उसको मिल्क में कलर कन्वर्ट कर देना पड़ता है, जिससे कि प्लेटफॉर्म एनिमल्स को दिखता नहीं है। और फिर उसके बाद तीसरे स्टेज में पहला पहला स्टेज हो गया जीरो डेज का। फिर जैसे हमने 10वें दिन 10 दिन डोजिंग करके फिर ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज किया, और शायद अब जैसे 15 डेज पे हमने फिर एक्सपेरिमेंटल स्टेज परफॉर्म किया मिल्क में। तो उससे पहले हमें एनिमल्स का उनकी मेमोरी मेमोरी रिमूव करनी रहती है, जैसे स्कोपोलामाइन इंड्यूस करके या किसी तरीके से उसकी मेमोरी पहले से डाउन कर देनी पड़ती है। अब उसके साथ अगर हमने डोजिंग करा है, तो अगर हमने उसकी मेमोरी रिमूव कर दी है एक्सपेरिमेंटल स्टेज से पहले, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में प्रोटोकॉल्स में वो जो है कि जीरो डेज के बाद ही वो कर देते हैं इंड्यूस, और बहुत सारे में क्या है कि एक बार एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज परफॉर्म करके फिर ये करते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे दो प्रोटोकॉल परफॉर्म करवाते हैं एनिमल्स को एक्सपेरिमेंटल स्टेज, ऐसे ही सारे एनिमल्स को, सारे ग्रुप्स के एनिमल्स को, और लास्ट में एक है प्रॉब ट्रायल कराया जाता है। प्रूफ ट्रायल में हमें प्लेटफॉर्म निकाल लेना रहता है एनिमल्स के इसमें से, और उस प्रॉप ट्रायल में प्लेटफॉर्म निकालने के बाद वो एरिया सिर्फ मार्क रहता है, और एनिमल्स उस प्लेटफॉर्म के एरिया को कितनी बार क्रॉस करता है उससे हमें कंफर्म होता है कि नंबर ऑफ, जैसे एक इंडिविजुअल एनिमल्स को डाला तो वो कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार क्रॉस करता है। तो ये पता चलता है कि हमारी मेडिसिन जब फर्स्ट जीरो डेज पे था तो हमने ट्रायल कैसे दिया, उसको मेमोरी हमने दी, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल स्टेज में हमने उसको वाटर के विदाउट हमने करके दिखाया कि मीन्स पूरा प्लेटफॉर्म छुपा दिया। उसके बाद उसको हमने उसको पकड़ने हमने इस प्लेटफॉर्म ढूंढना सिखाया, और लास्ट में हमने उसको उसकी मेमोरी हमने रिमूव कर दी, और उसके बाद हमारी मेडिसिन का ट्रीटमेंट दिया उसको, और फिर परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, तो हमारी मेमोरी कितनी उसको रिगेन करवा रही है, मीन्स हमारा जो मेडिसिन है वो कितनी रिगेन करा रही है एनिमल्स को, वो हमें पता चलता है लास्ट दो स्टेजेस में, वो धीरे धीरे आप करता है। और अगर बहुत बार तो एनिमल्स बहुत टाइम लेता है, और फिर बाद में इनकी जब उसकी मेमोरी नहीं है तो फिर वो कैसे उसको अचीव कर पाएगा, तो ये होता है। और लास्ट में प्रोब ट्रायल में ये कंफर्म होता है कि हमारी मेडिसिन्स उस पर कितनी देर तक काम की, तो ये सारी चीजें उसमें से क्लियर होती हैं, जिसमें आपको सारी चीजें दिख जाती हैं, क्लियर हो जाते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मॉरिस वाटरमिल्स एक्सपेरिमेंट का क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर सीखी, और हमें ये पूरी तरह से पता चल गया कि हमने कि एक्सपेरिमेंट कैसे डिजाइन करना है और प्रोटोकॉल कैसे डिजाइन करना है एनिमे सॉफ्टवेयर से, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ये सारे स्टेजेस एक्चुअली ऑलरेडी
ये 0 डेज स्टेजेस पूरे हो चुके हैं इसके, और इसकी वजह से एनिमल्स ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं और वो कितनी जल्दी जल्दी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म को सर्च कर ले रहे हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर अबो रखा रहता है उसमें, मीन्स जैसे 0 डेज वॉट ट्रायल में, और जिसमें वो बाहर की मीन्स पानी की सतह से भी दिखता रहता है। और जब ये वाला परफॉर्म किया जाता है एक्सपेरिमेंटल स्टेज, तो ये सतह से आधा सेंटीमीटर नीचे रहता है, तो प्लेटफॉर्म इसमें पूरी तरह से बाहर से भी दिखता नहीं है। तो ये एक मीन्स ये एक्सपेरिमेंटल स्टेज जो होता है उसमें एक ये भी डिफरेंस है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर जिससे आपको कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है वो पूरी तरह से पता है। बहुत सारी जगह ये जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में लोग प्रोटोकॉल्स ये भी डिजाइन करते हैं कि जो रिपीटेशंस का जो ड्यूरेशन है, टेस्ट ड्यूरेशन, वो 120 मिनट्स का भी होता है। 120 मिनट्स में ये है कि एस्केप लेटेंसी जो है वो मिल ही जाती है मोस्ट प्रोबेबली, आपको ज़्यादा ट्रेंड नहीं करना पड़ता। ट्रेनिंग जो 0 डेज का जो है, पर ये है कि वो टाइम कंज्यूमिंग फिक्स हो जाता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो टाइम उसका फिक्स हो जाएगा, वो उतनी ड्यूरेशन का होगा। एक में 60 सेकेंड लग रहा है एक एनिमल्स में, तो 70 ऐसे एनिमल्स में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसमें से फर्स्ट डे आप में एक दिन में तो आपको 3 ट्रायल तो करने ही पड़ेंगे, तो यानी एक एनिमल्स को 3 बार मेज में उतरना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कम से कम 4 से 4.5 घंटा लग जाता है पूरी तरह से, 1 डे का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए मॉरिस वाटर में। तो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा लेंदी है पर इजी है, लेंदी है पर इजी है, आप इसे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज आपको ये भी दिखा दूं कि यहाँ पर कैसे आपको, यहाँ पर हम मार्क करेंगे सारे क्वाड्रेंट को। तो जैसे अभी पानी भर रहा है तो मैं कुछ चीजें दिखा देना चाहता हूँ फिर से आपको रिपोर्टेशंस के लिए। जैसे प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स में सेटिंग्स आपने देख ली थी, वीडियो सोर्सेस आपको वहाँ से ऊपर से सेट करना है अपार्टस के, और अपार्टस के ऊपर सेट करके उसका नाम भी देना है, क्योंकि बहुत बार दो दो वाटर मेज एक साथ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। और तो सारी चीज़ें आपको उसके हिसाब से सेट करनी है, पानी के लेवल के हिसाब से। फिर यहाँ पर जैसे एसी क्वाड्रेंट है, एसी क्वाड्रेंट की सेटिंग आपको चेक करनी है। अब जब जितनी बार आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे उतनी बार आपको सॉफ्टवेयर्स में ये जाके सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, और आपको वहाँ पर जोन के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। और मूवमेंट अपार्टस का ज़्यादा इधर उधर होना नहीं चाहिए, जैसे था पहले हमेशा वैसे ही एक ही मूवमेंट पे सेट करके रखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर सारी चीजें एक बार फिर से चेक कर ली कि यहाँ पर जो जोन है सारे उस पे सेट हैं कि नहीं। SC, SW, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और लास्ट में प्लेटफॉर्म, सब ओके अपनी जोन के हिसाब से अगर सेट हैं, उसके बाद हम फिर से इसे परफॉर्म स्टार्ट करना शुरू कर सकते हैं। जब ड्यूरेशन एक स्टेज से 0 डेज से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले दिन ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी, उसी प्रोटोकॉल्स को आपको सेव करना पड़ेगा। ऊपर मेनू में सेव का ऑप्शन है, वही प्रोटोकॉल्स आपको फिर से यूज़ करना पड़ेगा जब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में आप परफॉर्म करेंगे। तो वो चीज़ें आपको सेव करके रख लेनी है।
अदरवाइज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि सेटिंग्स की सबकी चेंज हो जाती है और मेजरमेंट आपको जितना भी डायमीटर एक बार सेट किया है आपने उतना फिक्स करके रखना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी अगर ये आपकी सेटिंग्स यहाँ पर टूल से इधर उधर होता है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मेजरमेंट शो कर देता है, एनिमल्स का जो डायमीटर है वो जो वहाँ पर हेपाटस का है वो ऑलरेडी फिक्स है, इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। फिर भी आपको सेटिंग्स करके रखनी पड़ती है और जब आप एनिमल डालते हैं तो उसके लिए भी उस आपको बाहर से मार्किंग करके रखना पड़ता है कि ऐसी क्वाड्रेंट कौन सा है जो टारगेट क्वाड्रेंट है, ऐसी क्वाड्रेंट बोलते हैं उसे, और साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, कौन से ट्रायल से स्टार्ट किया था और कौन से ट्रायल को आपको अभी स्टॉप करना है। तीन ट्रायल परफॉर्म करना है एक स्टेज में या दो ट्रायल परफॉर्म करना है, तो सारी चीज़ें आपको देख के रखनी रहती है, उस हिसाब से आपको कलेक्शन करना पड़ता है और पानी का लेयर आपको फिक्स करना पड़ता है और लेयर प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको फिक्स करना पड़ता है। 0 डेज में आपका जो पानी का लेवल है वो 1 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट कम रहेगा और इसमें आधा सेंटीमीटर ज़्यादा रहेगा आपका प्लेटफॉर्म, उसका पूरा सेटिंग आपको करके रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देख के रखनी पड़ेगी कि जिससे कि आपका वाटर मेज एक्सपेरिमेंट का जो प्रोटोकॉल है वो अच्छी तरह से डिज़ाइन हो जाए। यहाँ पर अब हम 0 डेज की प्रिपरेशन के लिए देख रहे हैं, तो 0 डेज की प्रिपरेशन के लिए सारी चीजें हमें फिर से सेट करनी पड़ती हैं और उसी हिसाब से हमें चेक करना पड़ता है। यहाँ पर एनिमल का कलर के बैकग्राउंड के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज ये है कि प्रोसीजर्स आपको ये जो स्टेजेस मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं जो स्टेटमेंट्स आपको उन्हीं हिसाब से डालने हैं, अदरवाइज इसमें एरर आ जाता है। मेरा एक प्रोटोकॉल्स मेरे एक प्रोसीजर में एक ऑलरेडी एरर आ चुका है, आप देख सकते हैं वहाँ पर वो माइनस साइन से दिख रहा है जो प्रोसीजर्स में, तो उसे आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, इसमें एरर आने के चांसेस बहुत होते हैं। और ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपको ये भी देख के रखना पड़ेगा कि आपका जोन और जो आपने मार्क किया है प्लेटफॉर्म वो इधर उधर ना हो जाए, अदरवाइज बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो जोन होता है वो डिफरेंट दिखने लगता है, डिफरेंट थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, तो उससे भी एनिमल्स को बहुत बार चीज़ें फाइंड करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। अब दूसरी चीजें भी हम देख लेते हैं, जैसे स्टेजेस, स्टेजेस में बहुत सारी आप कैसे ऐड कर सकते हैं ऑलरेडी में, आप इसमें स्टेजेस कैसे ऐड करना है और इसको एक नाम देना है आपको, अगर आपको एक्सपेरिमेंट जैसे एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस हैं, पहला तो प्री एक्सपोजर स्टेज होगा, वो होगा 60 सेकेंड के सारे होंगे और इसमें कितने ट्रायल्स होंगे हर स्टेज में वो सारी चीज़ें रखी हैं। यहाँ पर एक प्री एक्सपोजर स्टेज है और थ्री एक्सपेरिमेंटल स्टेज यहाँ पर दिख रहा है प्रोसीजर में, वो सारी चीज़ें देखनी है। फिर ट्रीटमेंट ग्रुप कौन कौन से हैं, ट्रीटमेंट ग्रुप में आपको एनिमल असाइन करने हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स, फिर एक्सपेरिमेंट के लिए आपका ये यहाँ से आप प्रोटोकॉल स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे
जीरो डेज के लिए। यहाँ पर जीरो डेज की बहुत सारे पार्ट यहाँ पर पहला प्लेट प्रोटोकॉल का पहला रिपीटेशन स्टार्ट करने की कोशिश की है। ये ट्रायल मार रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये यहाँ पर सारी चीजें रेडी हैं कि नहीं, बैकग्राउंड इसमें आ रहा है कि नहीं, और प्लेटफॉर्म स्टार्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो सकता है कि नहीं। इसके लिए ट्रायल, क्योंकि एक्सपेरिमेंट अगर हाँ यहाँ पर जो यहाँ पर ये मार्किंग और ट्रैकिंग कर रहा है, तो ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसको हम रिटायर कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं रिपीटेशंस को। यहाँ पर ऑप्शन ऑलरेडी और रिपीटेशंस पे दिया रहता है। यहाँ से हम पॉज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट को या बंद कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। यहाँ जाके हम इस रिपीटेशंस को ऑलरेडी डिलीट कर सकते हैं। तो ये एक चेक करने का ऑप्शन है आपके पास, आप इससे आप चेक कर सकते हैं टाइमली, जब भी आपको जरूरत पड़े चीजों को रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशंस हो सकता है, बहुत सारे बार एक्सपेरिमेंट ग्रुप में बहुत सारी रीडिंग्स रिटायर करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बार क्या है कि सॉफ्टवेयर आपने ऑन कर दिया रहता है और एनिमल लेट एंट्री होता है वाटर में, तो एक्सपेरिमेंट में एरर ना आए इसके लिए ऐसे प्रोटोकॉल, ऐसी चीजों को निकालने के लिए ऑप्शन आपको मैंने दिखाया। तो ये रिपीटेशंस आप और दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी निकाल सकते हैं, जैसे एलिवेटेड प्लस मेज में भी आप निकाल सकते हैं और फोर्स स्विम टेस्ट वाले प्रोटोकॉल में भी निकाल सकते हैं। किसी भी प्रोटोकॉल से आप ऐसे रिपीटेशंस एनिमल्स के निकाल सकते हैं जो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग एरर वाली है। अब यहाँ पर हम कुछ चीजें रिपीट कर सकते हैं, रिपीटेशंस एक दो ले सकते हैं। कुछ चीजें अभी इसमें पेंडिंग रह गई थी देखने के लिए, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हमने और एनिमल्स ट्रैकिंग कर रहा है, इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं जो एआई के साथ आप ले सकते हैं, वो एक सिंपल चीज है। उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमें एक एक ऑप्शन मिलेगा कि हम अपना जो वीडियो है उसको एआई के साथ सपोर्ट के साथ उसे हम सेव कर सकते हैं, जिसमें कि ट्रैकिंग डिवाइसेस ऑलरेडी एनिमल्स को ट्रैक करती होंगी और एनिमल्स के मूवमेंट्स को सारी तरह से हम एक वीडियो में कैप्चर कर देंगे। फिर उसके बाद हम सेम टू सेम रूटीन में अपने एनिमल एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं एनिमल्स डाल के। तो पहले ये डिवाइस चालू कर देना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो सारे वीडियोस को कैप्चर कर ले रहा है। तो ये एक ऑप्शन अच्छा है इसमें, तो आप ये वाले से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता था, तो जो कि रह गया था पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसके लिए वही सेम प्रोसीजर
पर एक चीज याद रखिएगा कि आप अगर सारे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सारे रिपीटेशंस रिकॉर्ड करेंगे, तो इसके लिए आपकी बहुत सारी मेमोरी यूटिलाइज होगी, जो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसलिए आपको क्या है कि इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव कैप्चर करने हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं पर ग्रुप में एक या दो या तीन आपको रूटीन बना के रखना पड़ेगा कि इसे हमें कैप्चर करना है, और कौन सा बेस्ट रिपीटेशंस है उसको आपको फिर बाद में उसमें से सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से नहीं पता हो सकता कि कौन सा जो रिपीटेशंस या कौन सा बहुत अच्छा काम करेगा। तो इसलिए आप जैसे ही एनिमल्स को डालें, उससे पहले आप प्रोग्रामिंग कर लें कि आपको ये वीडियो, ये रिपीटेशन सेव करना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा और आराम से आप वीडियो कैप्चर कर सकते हैं पूरे उसमें। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे सारी चीज, यहाँ ये सॉफ्टवेयर काम करता है और कैसे इसमें से हम सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं, और एनालाइज करने का ऑप्शन मैंने ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में दिखा दिया है, जो कि एलिवेटेड प्लस मेज है, और एनालाइज करने का ऑप्शन सबका एक ही जैसा है, तो वो आपको इजी हो जाएगा। आप उसमें से जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको सिलेक्ट करनी है टेस्ट में और कौन कौन सी नहीं, और उस हिसाब से आप उसमें से इसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, और उन आपके कमेंट्स का मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। मैं आपके उस सारी उसका कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करता रहता हूँ, तो मैं सारे जवाब आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च नीड्स, थैंक यू वेरी मच।